क्या करें, आप बोलो क्या बोले। आप सब लोग मिलके फिर अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते कि आप लोग खुद ही अपने गांव का कुछ उद्धार करने का? कर ही रहे, और कौन कर रहा है, बच्चे कौन पाल रहा है? आपने संगठन वगैरह बनाया आपने? तो जैसे कर रहे हो हम ही पाल रहे, कौन पाल रहा है हमारे बच्चे? अपने आप पाल रहे हो, बताइए कोई जो कुछ कर रहा है, चाहे सूखा खा रहा है, भूखे रह रहे हैं, अपने आप तो कर रहे हैं। सारे नौजवान और सारे आप नौजवान तो अभी भटक रहे बेचारे, नौकरी चाकरी कहीं नहीं, कोई संगठन बना के जब नहीं पता हमने। यहाँ पर 2 करोड़ का वर्ग था, कम से कम कोई एक बच्चा हमारे यहाँ नौकरी नहीं लगता। क्यों बनाएंगे? बाहर के आते जो भी आते, आसानी कोई नहीं किसी वर्ग में भी। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप संगठन बना के सरकार के पास जाएंगे कि हमें हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमको ये नहीं हुआ, ऐसा कौन सुन रहा हुआ ऐसे कुछ? संगठन बनाएंगे तो वो बंद कर देंगे हमको सारे गाँव। अरे ये गांव किसी एक पूरा उत्तरकाशी जिला को भी नहीं बंद कर देंगे, लट मारेंगे। क्या हुआ था, एक तहसील में डंडे खाए थे। कहाँ पे? तहसील भटवाड़ी में। वहाँ पे संगठन बनाया था? बनाया था लोगों ने, पुलिस ने डंडे मार मार के उनको अंदर करे था। क्यों था? इसलिए चुप रहे थे लोग, बोलना भी हम के साथ। ऐसी ऐसी स्थिति है, आप देख सकते हैं कि कितने मकान टूटे हुए हैं और कितने मतलब अभी डेंजर खड़े पड़े हैं, है ना? ये तो आपका कहना ठीक है, ये हम मान सकते हैं, आप देख लीजिए और स्थिति भी आपको मालूम हो जाए कि कितना स्थिति हम डमाडोल में हो चुकी है, है ना? हाँ, ये जा रहे आपके साथ में जाएंगे। अब ये लेना देना सरकार का जो है, कहीं किसी ने हाथ मारा, कहीं बेचारे रो रहे हैं लोग। बहुत सारे ऐसे कि अभी तक उनको मिले नहीं है, क्लेम नहीं मिले, अभी नहीं मिले बेचारे, वो बेचारे तड़फ रहे, किसी ने जो है खूब सट्टा मार दी। अरे आपके कर्मचारियों के हाथ की बात नहीं ना, बात तो सुनो। 10,000 फेंगड़ी में गए, 2-3 दिन लागे तो मकान गए, तो 10,000 दी तो भारी की मिल गए कुछ। 2 लाख के तो मकान खत्म हुए, दो दादा ने बढ़ाया, बुढ़ा ने बढ़ाया, 3 पीढ़ी के नहीं बुढ़ा से 3 पीढ़ी का जो धन हमारा खत्म हुआ, सरकार ने 10,000 दे दी, बहुत दे दी। क्या हुआ होगा जो मेरा था, और उसे होगा कुछ ना देते माना होगी सरकार, हमारे बच्चों का नौकरी लगाते आज ही सब कुछ, हम सोचते चलो अपने नौकरी आज ही बच्चे तो पालेंगे, बच्चे तो खाने वाला तो खाएगा कुछ ना कुछ, हो भगवान सबका है। जिनको बाहर है वैसे बेकार जिन बनाए जो बलन करे बताए नक्शा अगर बौरा ने देखे तो ये बौरा आए थे काटू काटले। एक्शन। अच्छा ये भूकंप में यहाँ पे कितने लोग मारे गए थे? यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको कितना मिला? सरकार की तरफ से हमें समान लो 10,000 कैश मिला। हाँ, 10,000 का मटेरियल मिला। और आपने कितना लगाया अपनी जेब से? 5-10,000 हमने भी लगा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा भूकंप अगर दोबारा आता है, हाँ, तो क्या करेंगे आप? क्या करना फिर, क्या हो सकता हमसे, अगर उसमें क्या लग सकते हैं हमारे? अब ये जो है मतलब जब बनी हुई चीज़ इमारत टूट गई है, ये भी तोड़ सकता है वो कल के दिन। तो आप सब लोग गांव के जितने भी लोग हैं, हाँ, सब मिलके अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते? तो कर ही रहे हैं, जैसे जैसे किसी से हो रहा हो वैसे वैसे कर ही रहे हैं आपस में, और क्या करना। अब आप ही सोचिए, लकड़ी भी हमको चाहिए, पत्थर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो सभी चीज़ इमारत जो है अकेला से तो होता नहीं ये काम, जब लेबर होगी तभी होगा। लेबर वाले आज के ज़माने 100 रुपये ढूंढ रहा, तो 100 रुपये हम लोग कुछ होती नहीं है, तो काम खड़ा रह जाता है। अब इसलिए छोटा मोटा गोलियांस बना रखे हैं, अपने समय काट रहे हैं, वो तो हमें थोड़ा टाटा ने दे दिया, तो उससे हम फिर अपना जरा फ़ायदा उठा रहे हैं कि आराम से पड़े हैं लोग, कि चलो टाटे के दे रखे हैं, आराम से अपने दिन काट रहे हैं। अब जैसे जैसे किसी की मारा टूटे वैसे धीरे धीरे बनाते रहेंगे। अब जिसके सर्विस वाले होंगे वो तो सर्विस की वजह से बना ही लेगा, अब बगैर सर्विस का होगा बेचारा वो क्या करेगा? मजदूरी भी हम लोग उसे उतना नहीं, पत्थर तोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे बनेगा। अब ये टूटा है तो समय कटेंगे, अब क्या करेंगे आप ही सोचें। तो काफ़ी है, जब सरकार की समझ में उतनी आया तो काफ़ी है। बाकी का हिस्सा किस तरह से आप लोग? बाकी हम क्या करें, हमसे क्या हो सकता है, सरकार में तो हम लोगों की लगती नहीं है। अब किसी का व्यक्तिगत काम होता, आपका हमारा जैसा होता, तो हम आपसे लड़ते कि आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा तो आपके साथ नौकरी कर पाऊँगा, तभी आपके साथ निभा पाऊँगा। अब सरकार साथ क्या होता है, या तो सरकार हमें अगर मान हमारे
आदमी को या हमारे बच्चों को या हमें अगर नौकरी लगा दे तब भी हम सोचते हैं कि चलो भाई नौकरी लग गए अपने दिन कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब हम तो बिगैर रोजगार के समय काट रहे हैं। अब जिनके पास पैसे देने के लिए उनके बच्चे तो फटाफट नौकरी लग रहे हैं, हमारे पास देने के लिए नहीं तो हमारे बच्चे खड़े पड़े हैं। तो अभी गाँव की क्या हालत है, कितने मकान बन चुके हैं और कितने नहीं बने, किन को भुगतान मिला है? ऐसा समझ लीजिए आप कि करीब दो हिस्सा भी बनने बाकी है, एक हिस्सा तो बन ही गया, दो हिस्सा बनने बाकी है गाँव में। और जिनको भुगतान नहीं मिल रहा है वो कैसे जिंदगी काट रहे हैं? क्यों नहीं भुगतान मिल रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहा। आपस में आप लोग कुछ आपस में मदद वदद कर रहे हैं एक दूसरे की? अब क्या मदद कर रहे हैं, सभी लोग परेशान है तो मदद क्या हो सकती है? सभी मकान बिना, खेत बिना, पशु बिना, सर्विस बिना परेशान है। और बहुत सारे ऐसे, अब मैं खुद ही कहता हूँ, हम जब से मतलब भूकंप में दबे हैं तब से हमारी आत्मा जो है कमज़ोर हो रही है। रात को हम नज़र कम पड़ती है, काम नहीं कर पाते हैं। अगर वजनदार काम करूँगा तो सारे शरीर में जो दर्द हो जाता है, तो हमसे क्या नौकरी हो सकती है, आप ही सोचिए। तब भूकंप के बारे में किस तरह से आपको लगता है, जो आपके जिस दिन आया था भूकंप, तो उससे जो डर या जो दहशत कि गांव के लोगों में अभी भी है क्या कि ये दोबारा हो सकता है? अभी हमें वो याद होता तो हमारा दिल उखड़ जाता है, अभी भी हम लंग कर रहे हैं। अगर अब हमें वो याद जब भूकंप की आती है तो हमारा मन जो है उछल जाता है, बिल्कुल भय है हमको, अभी तक भी भय है ना। आप किस तरह से तैयारी, जैसे आगे इतना ज्यादा नुकसान ना हो तो उस तरह से आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या तैयारी एक आदमी को, गांव के लोगों को करनी चाहिए? क्या तैयार कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं आप ही सोचें, हमारे पास क्या साधन है ऐसा जो हम वो तैयार करें और वो मजबूताई सोचें। हम तो यही मजबूताई भी नहीं सोचें कि शाम को खाना क्या खाएं, दुकानें है ना, दुकान से भी लाओ तो वहाँ भी लुकार बजट बनता है खाने का। अगर हम भी नौकरी ना सर्विस मैन होते तो हम सोचते तनख्वाह आती है, चलो फटाक से तनख्वाह आएगी, चल बेचारे दे जाएंगे। वैसे भी हम तो मजदूर आदमी हैं, तो दिन में कुछ मजदूरी करेंगे तब जाके अपना पेट को पालेंगे। ये समय है भाई साहब, समय यानी हर समय। आप देखो, आप मकान तो बनाए हम लोग के, बच्चों को तो पढ़ाएं कि पेट को तो पालें, हम लोग इसी में उलझन में हैं तो कैसे करें हम लोग? जवान वगैरह मिल के गाँव के, हाँ, अगर सोचे कि खुद ही पत्थर लाएं, खुद ही लकड़ी लाके, मतलब एक दूसरे की मदद जल्दी करो, तो ऐसा कुछ ने किया आप लोगों ने? क्यों नहीं, कहीं कहीं किया ऐसी बात नहीं, आपके गांव में किया आप किया लोगों ने? अब जैसे मानव लकड़ी की चिरान कर दिया है तो चिरान तो मजदूर वालों से किया, मगर ऐसे ही सभी लोग जा करके लकड़ी उठा के घर में ले आए, तो ऐसे तो हो जाते, थोड़ा आपस में हदत मदद हो जाती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप अगर एक संगठन अपना बनाए गाँव का और फिर सरकार के पास जाएँ, जो जो जिनको नहीं मिला है, पैसे नहीं मिले हैं या जमीन नहीं मिली है या टिन शीट वगैरह या लकड़ी नहीं मिले, तो आप अगर संगठन बनाएंगे तो वो काम ज्यादा आसानी और जल्दी से होगा? संगठन बनाते थे और संगठन बनाए हमने, कई लोगों ने लिखा है किया है मगर सुनाई नहीं होती है। भटवाड़ी में यही कांड जब चला था, संगठन ही तो बनाया, कई लोगों ने उस समय जो है आए नीचे से, कई नेता पहुँचे उस समय भूकंप के टाइम पे, किसी ने कहा हम ये करेंगे, किसी ने कहा वो करेंगे, ये किएंगे, सब कुछ नहीं किया भटवाड़ी में। फिर भी हम लोगों ने संगठन किया कि भाई हमें या तो न्याय एक दो, और या तो ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे डंडे बज गए हम लोगों के ऊपर। अब आप सोचे कहीं पे इन लोगों ने जो है मतलब बेचारे जो है जिनको मिला ही नहीं है तो जरूर घपला मचाएंगे ना, आप ही सोचो। और किसी घर में चार चार छः छः किले मिल गए तो क्या वो संतोष हो गए?
Yeah.